जोधपुर में मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज 30 मई को एक आयोजन करने जा रहा है। जोधपुर के मानस भवन में आयोजन होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से अखिल भारतीय मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आएंगे। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, साथ ही आने वाले समय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। जोधपुर में प्रेस वार्ता के माध्यम से ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बताया, 30 मई को होने वाला कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें समाज से जुड़ी गतिविधियों पर चर्चा होगी। ऐसे कार्यक्रम से सामाजिक एकता को बल मिलेगा। मध्य प्रदेश अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा, जबलपुर इकाई के द्वारा, यहाँ पर 30 मई को 12 बजे से मानस भवन में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण होगा। पूरे मध्य प्रदेश से पदाधिकारी आ रहे हैं और वे इस कार्यक्रम में शपथ दिलाएंगे पदाधिकारियों को, और 8 ज़िलों के पदाधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं, उनका भी शपथ इसी समारोह में हमारे साथ ही होगा। तो इसमें महिलाएं और पुरुष सभी हैं। ये एक छोटी सी कोशिश है, हम लोगों का कोशिश ये है कि ब्राह्मण जहाँ पर भी है, जिस संगठन में भी है, वो अपने संगठन के साथ तो काम करता रहे, लेकिन जब ब्राह्मणों के हित की बात होती है तब वो एक होकर एक साथ आवाज़ उठाएंगे, तो उसका असर उनको देखने को मिलेगा। और हम लोग सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ आरक्षण के मुद्दे पर, उनकी पढ़ाई के लिए, गरीब अगर ब्राह्मण है तो उसको कोई सुविधा नहीं है, नौकरी में सुविधा नहीं है, पढ़ाई में सुविधा नहीं है। तो इन सब बातों को अगर हमको रखना है सरकार के सामने, तो एक होना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि इस बहाने जब हम मिलेंगे तो एकता की भी बात होगी, और हमारे जितने संगठन हैं वो अलग अलग अपना काम करते रहें, उससे मजबूती मिलेगी। नमस्कार, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की प्रदेश प्रभारी हूँ, और हम लोग आज, हमारी पूरी कार्यकारिणी और हम लोग सब यहाँ पत्रकार वार्ता के लिए उपस्थित हुए हैं। आप हमारी संगीता तिवारी हैं, आप हमारी जिला प्रभारी हैं, और आप हमारी गीता दीदी हैं, गीता तिवारी दीदी, गीता शरद तिवारी दीदी, आप हमारी संरक्षिका हैं, जो हमारे संगठन के लिए काफ़ी एक रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं, और हमें जितनी भी सजेशन होते हैं, जो हमको सुझाव होते हैं, आप ही से हमें प्राप्त होते हैं किसी कार्यक्रम के लिए। आज हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की तरफ से एक सम्मान समारोह और हमारा शपथ ग्रहण समारोह होता है, जो हमारी नई नियुक्तियाँ होती हैं हमारे कार्यकारिणी की, तो उसके लिए हम एक शपथ ग्रहण करते हैं। हर 2 साल में हमारी नियुक्तियाँ बदलती हैं, उसके लिए शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है। वो शपथ ग्रहण समारोह और प्लस जबलपुर के लोग जुड़ते हैं, तो नई नई तरह के सुझाव, नए हमारे कार्य करने की जो गतिशीलता है वो आगे बढ़ती है, तो उसी के लिए हम लोगों ने आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। और आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग भी इस कार्यक्रम को, जो हमारे न्यूज़ पेपर वगैरह हैं उन्होंने जब निकलेंगे, तो लोगों को और इसके प्रति, कार्यक्रम के प्रति जानकारियाँ प्राप्त होंगी, और सभी सादर आमंत्रित हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, सुमिता मिश्रा। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।